गणेश जी, गुड आफ्टरनून। मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज बात करेंगे हम वोट बैंक पॉलिटिक्स की, अपीजमेंट पॉलिटिक्स की, और लेटेस्ट जो बीजेपी ने अपना एक इनिशिएटिव पसमांदा मुस्लिम्स को डायरेक्ट करके स्टार्ट करने का प्लान किया है। तो अभी तक अगर आप देखो इंडियन पॉलिटिक्स को, तो इन्होंने मुस्लिम्स को एज ए वोट बैंक ट्रीट किया, उनको ये फीलिंग दी, स्पेशली कांग्रेस ने, या ममता दीदी को लगा लो, या मुलायम को, या लालू को, ये फीलिंग दी गई कि हम तो आपके सपोर्टर्स हैं, वी आर योर वेल विशर्स, तो यू वोट फॉर अस। और समहाउ ऐसा कुछ हुआ कि वहां की जो लीडरशिप थी उसको भी ये सूट किया। तो अपीजमेंट का एक प्रोसेस चालू हुआ। वो कई बातों में लीगल तरीके से हुआ, कई बातों में वो इलीगल तरीके से, या सोशल बिहेवियर, सोशल कंडक्ट में सामने आया। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन होगा आपसे वो ये होगा, ये जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद वोट बैंक पॉलिटिक्स, इसमें इंडियन मुस्लिम्स को कुछ फायदा हुआ कि नहीं, और आगे के लिए उनके लिए रोड मैप क्या हो सकता है एज फार एज द कम्युनिटी इज कंसर्न। तो सर आप देखेंगे ना, पहले थोड़ा मैं पीछे जाना चाहता हूँ। अगर हम 15-20 साल पहले जाएं तो जिस टाइम पे इंटरनेट और ये सारी चीज़ें कम थी, तो लोगों को इन्फ्लुएंस करने के तरीके कम थे। अभी इन्फ्लुएंस करने के तरीके बहुत बढ़ गए हैं। मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक, यहाँ पे बाहर देश के वीडियो देख देख के लोग बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। और उसके साथ ही क्या हो गया है कि पैसे का पावर भी काफ़ी बढ़ गया है। तो पहले आप गाँव में जाके देखेंगे, अगर आप गाँव में रहे हो तो आपको दिखेगा कि ऐसे मुस्लिम हुआ करते थे जिनके साथ अगर आप 2 महीने भी साथ रह लो, उनका नाम अगर आप नहीं पूछोगे ना तो आपको पता नहीं चलता था कि वो आदमी मुस्लिम है। क्योंकि उनका रहना, उनके कपड़े, उनका दिखना, उनका जो भी बोलने का तरीका है, लैंग्वेज, वो क्या बात कर रहे हैं, वो खाना खाना क्या खा रहे हैं, उनका स्वभाव, उनका बोलने का तरीका, वो एकदम आपको पता ही नहीं चलेगा वो मुस्लिम है। इसका मतलब क्या था कि इसका मतलब मैं मुस्लिम हूँ और ये मेरी आइडेंटिटी है, वो ऐसे बाहर लेके निकलते नहीं थे। वो उनके घर में था, जो उनका पूजा पद्धति है वो उनके घर में कर रहे हैं, इस टाइप से था। मतलब उनका बात, वो मराठी में बात करते हैं। अभी महाराष्ट्र से हूँ मैं, तो मैंने लोगों को देखा इतनी सुंदर मराठी में बात करते, पता ही नहीं चलेगा कि ये लोग घर पे मराठी बात नहीं करते होंगे या कुछ और बात करते होंगे। खाना भी हमारे जैसा खाना है, जैसे नॉनवेज इतना ज्यादा नहीं खाना है जितना बाहर अभी लोग खाते हैं वगैरह, उस टाइप का बात है हमेशा। वो ये करना, ये हम ये गोश्त ला रहे हैं, वो खा रहे हैं, ऐसा बात नहीं करते थे। जैसे गांव में रहता है कि अपना जो खाते हैं वही वाला खाते थे। बट बाद में क्या हुआ कि ये जो इंटरनेट है बाहर से आने लगे, नहीं भाई मुस्लिम तो ऐसे होते हैं, मुस्लिम है तो हमको दाढ़ी रखना है, मुस्लिम है तो टोपी पहनना है, मुस्लिम है तो फ्राइडे को नमाज जाना ही जाना है, नहीं तो ऐसा होगा वैसा होगा, 5 बार करना है, फिर वो छोटी पैंट पहननी है, ये वो थोड़ा, और फिर बुरखा पहनना है। बुरखा तो पहले गाँव में पहनती भी नहीं थी औरतें, मैंने देखा है खुद बचपन में, कभी किसी एक बुरखे का कोई संबंध भी नहीं था गाँव में। अभी गांव गांव में लोग बुरखा पहन रहे, अभी पढ़े लिखे लोग वो पहन रहे जो सर पे डालते हैं, वो पहन रहे जो पहले पहनते नहीं थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको बताया जा रहा है थ्रू अलग अलग चैनल्स कि नहीं, तुम मुस्लिम हो तो तुमको ये आइडेंटिटी तुम्हारे एकदम, यू नो, वेयरिंग ऑन योर स्लीव्स बोलते हैं ना, कि मतलब ऐसे पकड़ दिखा के चलना है कि भाई तुम हो, राइट? और फिर इन लोगों ने बोला कि नहीं, भाई मुस्लिम्स का तो पहला हक है प्रॉपर्टी पे, वर्ल्ड की, इंडिया की प्रॉपर्टी पे, ऐसा मनमोहन सिंह ने बोला एक बार, माइनॉरिटी तो सबसे ज्यादा हकदार है, ये वो। तो ये सब बात कर करके, और ऐसे अलग जो इनके इन्फ्लुएंस बाहर से आते हैं, फिर बाहर से पैसा भी आता है। अभी हर गांव में मस्जिद बन रही है, तो मतलब गांव में 2 मुस्लिम का घर है, 1 मुस्लिम का घर है, और मस्जिद इतनी बड़ी बना दी, और जिसका कोई किसी को फायदा भी नहीं, ऐसे पैसे बाहर बाहर से आके वो बन रहे। तो पैसे का भी इन्फ्लुएंस होता है, वो लोग भी कंडीशन रखते हैं पैसा देने के पहले कि भाई तुमको ऐसा करना है, तुमको ये टारगेट अचीव करना है, तुमको इतने लोगों को टोपी पहनानी है, तुमको इतने लोगों को ये करना है, वो करना है ना, तो वही वही टारगेट रहेगा तभी तो पैसा आएगा। तो ये सब के कारण क्या हो गया सर, ये सब मतलब सारी चीजें मिक्स हो गई। ये तो अपीजमेंट जो हो रहा था वो भी इसके अंदर ऐड हो गया कि ये नहीं भाई तुम स्पेशल हो, तुम्हारा स्पेशल ट्रीटमेंट होगा, तुम्हारे लिए स्पेशल सोचा जाएगा, तुमको हज को जाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। मतलब इनको किसी को क्या लगेगा, उसको लगेगा हाँ भाई हज के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, मतलब हज को जाना तो कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। शायद वो पहले सोच भी नहीं रहा होगा, वो बोल रहा होगा भाई मेरे को क्या करना हज किधर है, मैं तो इंडिया का हूँ, मेरे को तो इंडिया में ही देखना है मेरे लिए क्या है क्या नहीं है। बट गवर्नमेंट उसको बोले नहीं नहीं भाई हज जाओ हज जाओ, हज में सब्सिडी दे रहे हम, तो मतलब उसका एक साइकोलॉजी बन जाएगा ना कि अरे हज नहीं गया तो मेरा तो काम, मेरा तो लाइफ ही वेस्ट हो गया। तो
ये सब सारी चीजें कर करके उसको ये बताया गया कि भाई तू यहाँ का नहीं है, तू कहीं और से आया है, तेरा सोर्स ऑफ ओरिजिन उधर है। तो लोगों का दिमाग में बैठ गया हो, अभी 50% मुस्लिम जो रोड पे घूम रहे हैं, उससे ज्यादा भी हो सकता है, वो ये सोच के चल रहे कि नहीं नहीं भाई, हमें तो इंडिया से नहीं हूँ, मैं तो बाहर से हूँ, क्योंकि पैसा भी बाहर से आता है, हज भी बाहर है, उसके लिए गवर्नमेंट भी मेरे को भेज रही कि भाई तुम जाओ उधर, वो है ना, उधर से हमको इंस्ट्रक्शन आते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर हमारे को कुछ हो गया तो हम भी उनको ही बताते कि भाई देखो हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। तो क्या हो रहा है ये सब, ये इसका मतलब ये हो रहा है कि हम इंडियंस नहीं है ओरिजिनल, हम तो यहाँ पे रूल करते थे, हम तो यहाँ पे रूल करने आए थे, हमने तो यहाँ रूल किया है 800 साल, ये बोलते भी है इनके लीडर्स, बहुत बार बोला है। तो मतलब ये यहाँ इस मिट्टी से खुद को जोड़ना नहीं चाहते, इसलिए तो भारत माता की जय बोलने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ये इसको माता ही नहीं मान रहे। तो इसमें अपीजमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा है, उनको ये बताया गया है कि भाई तुम अलग हो, हम तुम्हारे लिए अलग चीजें करेंगे। मतलब जो जो समाज पहले पूरा मिक्स हुआ था, मतलब एटलीस्ट 60% ऑफ समाज में बोल सकता हूँ, 60% ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी वॉज वेरी वेल मिक्सड विद द इंडियन सोसाइटी, बट उनको ये धीरे धीरे उन्होंने निकाला है बाहर कि नहीं, तुम तो अलग हो। तो ये अपीजमेंट के जो अभी हम देख रहे हैं, उसका मेन रीजन वही है कि उनका देश के प्रति और इस जमीन के प्रति प्यार कम होके बाहर जो है उनके आका जिनको बोलते हैं, उनसे ज्यादा वो प्यार करने लग गए हैं। तो ये अपीजमेंट का इतना बुरा इफेक्ट, मतलब पॉलिटिक्स में तो छोड़ो, पॉलिटिक्स का जो मतलब उनका तो कुछ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि जिसको सिर्फ मीठी बातें करके वो खुश हो जाएगा, उसके लिए कुछ करने का जरूरत क्या है, इतना तो पॉलिटिशियन को भी समझ में आता है, उसको मैं खाली मीठी बात करूंगा, नहीं नहीं भाई तू मुस्लिम है तेरा तो झाक बनता है ऐसा बोलेगा, उसमें ही खुश हो रहा है वो, उसमें मेरे को वोट दे रहा, तो उसके जाके और आके क्या करना है, उसके लिए क्यों करना है। तो ये तो उसके लिए कुछ हुआ नहीं है डेवलपमेंट, कुछ भी नहीं हुआ, वैसे भी उन लोगों का एजुकेशन कुछ नहीं है ना, उनको वो इच्छा है ना उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंस है, और पॉपुलेशन बढ़ाना है तो उसमें कोई डेवलपमेंट हुआ भी नहीं है। बट ये अपीजमेंट के कारण ये हो गया है कि हमारे देश के अंदर ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जिनको देश से कुछ प्यार नहीं है, और बाहर ही पूरी आंखें उनकी लगी हुई है। अभी जो मेन क्वेश्चन लोगों के सामने आ रहा है कि यू नो सोसाइटी के अंदर जो पोलराइजेशन हुआ, उदयपुर वाला इंसिडेंट हुआ, इधर अमरावती वाला हुआ, और अगर आप ट्विटर पे सोशल मीडिया पे देखो तो बिल्कुल आपको सॉलिड पोलराइजेशन नज़र आएगा। तो इसकी वजह से ऑब्वियसली जो हमारे लीडर्स हैं उनको कुछ सोचने का मौका तो मिल रहा है, स्पेशली बीजेपी तो रूलिंग पार्टी है। तो अभी हैदराबाद में जो इनकी कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके बाद मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया कि जो बैकवर्ड कम्युनिटी है या जो शेड्यूल कास्ट हैं मुस्लिम्स में या बाकी कम्युनिटीज़ में, मुस्लिम्स में उनको स्पेशली बोलते हैं पसमंदा, जो अच्छी खासी संख्या है, 80-85% ऑफ मुस्लिम्स दे आर सपोज टू बी पसमंदा, और बाकी जो है वो अशरफ बोलते हैं जो दे आर सपोज टू बी हायर कास्ट। अब हुआ तो ये था कि जब कन्वर्जन हुआ था तो इट वॉज सपोज टू बी कि मुस्लिम्स के अंदर तो कोई कास्ट सिस्टम होता नहीं, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, जो हिंदूज का कास्ट सिस्टम था वो उधर भी परकोलेट कर गया, और वहाँ पे ऑब्वियसली जब इस तरह का सिस्टम होगा तो वहाँ पे उनके आपस में मैरिज रिलेशंस या सोशल रिलेशंस नहीं है। तो इसीलिए मोदी जी ने फिर प्लान किया कि जो पसमंदा कम्युनिटी है, जो बैकवर्ड है, जो उसमें शेड्यूल कास्ट हैं या दलित हैं, उनको अप्रोच किया जाए। तो आपका क्या ख्याल है कि मोदी जी का ये जो स्टेप उन्होंने लिया है, बिकॉज इसके अगेंस्ट में बहुत क्रिटिसिज्म है, उसकी बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले आपका क्या ख्याल है कि इवन आरएसएस भी ओवररीच कर रहा है मुस्लिम विचार मंच या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करके, तो स्पेसिफिकली मोदी जी का ये जो इनिशिएटिव है, आपका क्या ख्याल है कि किस ऑब्जेक्टिव के साथ ये इनिशिएटिव वो ड्राइव कर रहे हैं? सर, जितना मैं मोदी जी को मैंने देखा है और जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, उसके मैं ये इतना आपको बता सकता हूँ कि ये कोई तो कंस्ट्रक्टिव विचार से वो कर रहे हैं, कि ये कंस्ट्रक्टिव विचार है। मतलब अभी पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं भाई उनको भी डिवाइड करो कास्ट में, फिर उनका भी यूनिटी कम करो, और फिर उसमें फिर वोट बैंक्स पॉलिटिक्स करो, ये तो बोलेंगे ही लोग। लेकिन मैं आपको ये बोलता हूँ कि इसका विचार क्या होगा, इसका विचार ये है कि अभी समझो 25% मुस्लिम्स हैं इंडिया में, राइट। अभी जो ये हो रहा है, ये बेसिकली क्या हो रहा है, कुछ लोग अपने धर्म को या फिर उसमें जो बताया गया है या उनको उनको जो बताया गया है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन, यही हो रहा है। वो बोलते हैं कि हाँ भाई इसने ये बोला है, इसके बाद इसके ऊपर तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ एक्शन नहीं ले रहा,
लेकिन बट हमारे धर्म में तो ऐसा बोला गया है हमको, चाहे वो सही हो या नहीं हो, हम ये ऐसा करेंगे और वो ऐसा कर रहे हैं। वो लोग करने वाले तो चलो ठीक है, वो उनको तो गिन सकते हैं उंगलियों पे, उनको सपोर्ट करने वाले का नंबर काफी बड़ा है, ठीक है। तो ये हो रहा है, तो अगर ये होता गया तो सिचुएशन तो बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि वो 2-4% तो है नहीं कि जिनको सबको पकड़ के जेल के अंदर डाल दो, वो तो पॉसिबल नहीं होगा। नंबर काफी बड़ा है, 20-25% के आसपास आबादी है मुसलमानों की इंडिया में। तो हमको उसमें ये तो अज्यूम करके चलना पड़ेगा ना सर, हम ह्यूमैनिटी के लिए, कि उसमें से 70-80% लोग ये चाहते हैं कि किसी का बुरा ना हो, ये तो अज्यूम करके चलना पड़ेगा। ये तो अच्छा ही है हमारी, जिसको अज्यूम करना ही पड़ेगा। हम ऐसा पकड़ के नहीं चल सकते ना कि सारे के सारे वही सोच रहे हैं कि भाई हाँ इनका गला काटो। तो हमको ये मतलब ये बोलते हैं ना, इन गुड फेथ, लॉ में एक वर्ड है गुड फेथ, कि हाँ भाई गुड फेथ रखो, इसमें 70-80% लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इसमें लॉ का राज हो, ये सब सारी चीजें ना हो। उन लोगों में से जिनको अपने विचार रखने हैं, उनको कोई मंच है क्या अवेलेबल, ये भी देखने की जरूरत है। उनको विचार रखने की, जैसे अपने लास्ट टाइम में डिसाइड किया था कि एक बच्चे ने सपोर्ट किया था शर्मा को, तो उसके घर में लोग पहुंच गए थे मारने, वो मुस्लिम बच्चा था, राइट। तो ऐसे प्लेटफॉर्म है क्या उनके पास, अगर उनमें से कुछ लोग हैं जो इसके बारे में बोलना चाहते हैं, जो इसके अगेंस्ट है ये सब जो हो रहा है, उनको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश है, ऐसा मुझे लगता है, कि जो पसमंदा मुस्लिम्स हैं, जो 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 बिकॉज ऑफ देयर का ओरिजिनल कास्ट, मतलब वो हिंदू थे पहले तो वो बाद में कन्वर्ट हुए हैं, तो वो कास्ट के कारण उनके साथ अभी भी वहां पे भेदभाव होता है, तो उनको ये बताया जा रहा जाना चाहिए कि देखिए आप वहां पे हैं आप, लेकिन पहले कहीं तो कभी तो यहाँ पे थे। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके साथ जो बुरा हो रहा है, क्या वो किसी और के साथ बुरा होना चाहिए? देखो जिसके साथ बुरा होता है ना सर, उसको ये थोड़ा जल्दी समझ में आता है कि किसी के साथ बुरा हो तो उसको क्या लग रहा हो, आप समझ रहे हो? अगर किसी के साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको थोड़ा जल्दी समझ में आता है कि इसके साथ बुरा हो रहा है तो इसको कैसा लग रहा होगा, तो वो ज्यादा एम्पेथाइज कर सकता है उसके साथ। तो उसको बताने की कोशिश है कि भाई ये लोग जो कुछ लोग जो कर रहे हैं, किसी के साथ इतना बुरा कर रहे हैं, किसी का परिवार उजाड़ रहे हैं, क्या ये आपको सही लग रहा है? तो उनको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, और ये उनको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश है, ऐसा मुझे लगता है। वो लोग भी अपने साथ जो डिस्क्रिप्शन हो रहा है, वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी अपने यहाँ हिंदूज में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था हजारों सालों से, उसके लिए हमने थोड़ा बहुत तो प्रोविजन किया है इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन, इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स, राइट। सपोर्ट बेस थोड़ा बढ़ाया है उनका, अलग अलग चीज़ों में, एजुकेशन में सपोर्ट, बाकी सारी चीज़ों में सपोर्ट, उनके लिए लॉज बनाया है उनके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, राइट। तो ऐसा उनमें कुछ भी नहीं है, तो शायद वो करने की कोशिश हो आगे जाके, उनको थोड़ा लीगली सपोर्ट दिया जाए, कोशिश है, जो कि एक बहुत कंस्ट्रक्टिव कोशिश है, जिसमें जो लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनको सपोर्ट करके, उनको देश के प्रति भावना उनके मन में जगा के। बात से सहमत हूँ कि ऑफ कोर्स ये कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट करने का एक प्लान है और मोदी जी ने बगैर सोचे समझे तो ये नहीं किया होगा, देर इज नो डिनायल ऑफ दैट फैक्ट। अभी जो एक सिचुएशन है, यू नो, जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जो मोदी की या बीजेपी की जो कोर आइडियोलॉजी है वो बेसिकली, बिकॉज लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट, कि मुसलमानों ने उनके लिए वोट नहीं दिया। इवन यूपी में अगर आप पिछला इलेक्शन देखो तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट योगी एंश्योर्ड कि जितनी भी सोशल स्कीम्स हैं, जितनी भी चली आ रही हैं, फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री गैस, वॉट एवर इट इज, वो मुस्लिम्स तक जरूर पहुंचे, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आउटरीच टू देम इन टर्म्स ऑफ टोटल डिलीवरी, ये डाटा प्रूवन है कि उन्होंने वोट नहीं दिया बीजेपी को। पर ऑब्वियसली जब आप गवर्नेंस की तरफ जाते हैं तो गवर्नेंस तो सेकुलर ही होनी है, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट अबाउट इट। लेकिन इस उसमें कहीं ऐसा ना हो कि जो बीजेपी है वो अपनी कोर आइडियोलॉजी, जो उसका सब स्ट्रक्चर है, अगर ऊपर सुपर स्ट्रक्चर में बोलता हूं तो नीचे जो सब स्ट्रक्चर है, कहीं ऐसा ना हो कि सब स्ट्रक्चर उसका डिस्टर्ब हो जाए, ना तो ये लोग आए उनके पास, और उस चक्कर में यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दैट केस, मोदी जी एंड बीजेपी दे विल लूज द ग्राउंड एंड वी विल सी कंप्लीटली प्रॉब्ली लेफ्ट लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट और लेफ्ट लिबरल, जो दे कम इन टू पावर एंड दे डिस्टर्ब द टोटल इक्विलिब्रियम इन इंडियन सोसाइटी। व्हाट डू यू से राइट अबाउट इट? राइट सर, मैं आपको एक सर फैक्ट बताता हूँ कि समझो अभी 100 लोग हैं इंडिया में, उसमें से 33%, 40% के आसपास वोट शेयर हो गया है बीजेपी का, मतलब 33-40% के बीच में वेरी करता है अक्रॉस द स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में। तो
ये लोग जो है ना, ये लोग नेशनलिज्म, डेवलपमेंट और बीइंग अ हिंदू, वो वोट कर रहे हैं बीजेपी के लिए। आज उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है आप फैक्चुअली देखेंगे तो, क्योंकि जो लिबरल्स की आप बात कर रहे हैं ना, वो तो हिंदुओं को गाली देते हैं, वो तो हिंदू प्रथाओं को, हिंदू रिलीजन को, हिंदू गॉड्स को, वो तो जितना मुस्लिम्स भी गाली नहीं दे सकते होंगे ना, उतना गाली वो देते हैं जो लिबरल्स और ये जो कम्युनिस्ट ये जो लोग हैं ना। या लेफ्टिस्ट लिबरल्स। हाँ, तो इन लोगों का तो इन लोगों को पीछे जाने का तो छोड़िए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो गाली ही दे रहे हैं अपने को। ठीक है, जो 33% 40% लोग हैं। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ सर, कि अभी क्या हो गया ना, अभी हिंदू जाग उठा है। मतलब मैं एक मीटिंग में था, मैंने एक बहुत सीनियर आरएसएस के प्रचारक थे उनसे पूछा, सर आप 75 एज है आपका, एज है आपका, तो मैंने पूछा कि पिछले 75 ईयर्स में इंडिया की हिस्ट्री में हिंदू सबसे ज्यादा जगा हुआ कब था? तो उन्होंने मेरे को आंसर दिया कि अभी सबसे ज्यादा जगा हुआ। तो मैं सोच रहा था कि अभी भी हिंदू जगा जगा नहीं है, जो आप और मैं सोचते हैं कि अभी भी हिंदू इतना सो रहा है, अभी भी कुछ नहीं कर रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही फिर भी। तो उन्होंने बोला ये तो सबसे ज्यादा जगा हुआ वर्जन है, इससे ज्यादा बुरे हालात में थे हम 75 ईयर्स के पूरे हिस्ट्री में। मतलब इवन राम मंदिर के अभियान में भी हम इतने जगह में नहीं थे जितने अभी जगह में। तो मतलब आप सोचिए हम कहाँ से आए हैं, हम एक एक पॉइंट से आए हैं कि जहाँ पे हिंदू बोलने में हमको शर्म आती थी। अभी भी देखो आप और हम टीका लगा के निकलते नहीं है घर के बाहर, अभी भी हमको वो है कि हम निकलेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर वो किया गया है पिछले 70 साल में थ्रू मीडिया, थ्रू ये वो, कि नहीं भाई टीका लगाना मतलब तुम बहुत कट्टर हो गए और ये हो गए वो हो गए। वो टोपी पहने तो भी चलता है बट हम टीका भी नहीं लगा सकते, वो बुरका डाले तो भी चलता है बट हम टीका भी नहीं लगा सकते। ये हमारा माइंडसेट खुद का है, ये हमको कोई बता नहीं रहा है, हम खुद नहीं पहनते, हम खुद टीका पहन के बाहर नहीं जा सकते, हमारी ये माइंडसेट है, बट धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि वो लोग क्या कर रहे हैं, अब महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देखिए सर, महाराष्ट्र में क्या किया शिवसेना ने, शिवसेना ने क्या ट्राई किया कि हिंदू तो हमारा भगवा तो हमारा ध्वज ही है, हमारा झंडा ही भगवा है, तो हिंदू तो कहाँ जाने वाले हमको छोड़ के, ये उन्होंने सोचा। और क्या किया, चलो कांग्रेस के साथ बैठ जाते हैं गाड़ी में, थोड़ा इधर थोड़ा उधर बात कर लेंगे, अपनी गाड़ी चला लेंगे, नैया पार हो जाएगी, ऐसा उनको लगा। ठीक है, तो थोड़ा कभी राम के बारे में बात करने का, कभी थोड़ा उनको कुछ दे देने का मुस्लिमों को, फिर दाऊद का जो आदमी है उसको उसका मिनिस्ट्री उसके उसका रखने का, राइट। तो ये सब उन्होंने किया, बट लोग अभी जाग गए हैं सर, लोग ये सब एक्सेप्ट नहीं करते। आपको मालूम है ये जो 50 MLA ये क्यों छोड़े हैं, क्योंकि वो लोग ग्राउंड पे रहते हैं, उनको समझ में आ रहा था कि लोग समझ गए हैं कि ये हिंदुत्व नहीं रहा है इनका, इन्होंने झूठ बोला है हमसे, ये हिंदुत्व के नाम पे हमसे वोट लेके आज ये पूरा का पूरा एंटी हिंदू हो गए। आप मोदी और अमित शाह को मुगल बोलोगे कैसे लोग आपको वो करेंगे एक्सेप्ट करेंगे? तो ये प्रेशर जो नीचे से बढ़ा है लोगों का, जो लोग उनको पूछ रहे हैं कि देखो ऐसा बोल रहा है वो वैसा बोल रहा है, ऐसा कैसे उद्धव ठाकरे बोल सकते हैं, ऐसा कैसे वो अगेंस्ट, मतलब कोई हनुमान चालीसा पढ़ने को तुम्हारे घर पे आए तो तुम उसको जेल में अंदर डाल सकते हो एमपी को, और जो भी उसने वापस लिया इतने तुम कैसे टायरेंट हो गए, ऐसे कैसे हो गए तुम, ये तो हिंदू तो थे तुम उनके साथ बैठ जाते, हनुमान चालीसा उनके साथ बैठ के गा लेते, क्या हो जाता अगर तुम्हारे मन में कोई पाप नहीं होता तो? तुम्हारे मन में पाप था इसलिए तुमने ये सब किया, लोगों को समझ में नहीं आता है। देखो आज हालत क्या हुई शिवसेना की, ये कोई एकनाथ शिंदे ने किया हुआ नहीं है सर, ये ग्राउंड से आया है, ये 50 लोगों को उनके ग्राउंड में फीडबैक मिला है लोगों से कि तुम ये गद्दार हो गए हो, तुम हिंदुओं के साथ, शिवसेना ने गद्दारी की है हिंदुओं के साथ, तब उनको समझ में आया कि भाई ये हम ये क्या कर रहे हैं, हमारा तो भविष्य खत्म हो जाएगा। वो एनसीपी ने उनको फंड्स नहीं दिया, वो सब सेकेंडरी है, प्राइमरी है कि लोग जाग गए थे, लोग गाली मार रहे थे कि तुम ये तुम्हारा जो है ना, इसके कारण ये हुआ है। अभी आप सोचिए शिवसेना जैसी पार्टी जो ज्वलंत हिंदुत्व का सपोर्ट करती थी, उतना तो बीजेपी भी शायद नहीं करती थी, ना बीजेपी का झंडा भगवा है, आप समझ रहे हो? तो जैसे ही उन्होंने ट्रैक बदला ना, लोगों ने पूरा ट्रैक ही उखाड़ दिया उनका। वो ऐसा क्यों हुआ सर, वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनका आरएसएस का बैकग्राउंड नहीं है, आप समझ रहे हो, वो डायनेस्ट पार्टी है, इसलिए ऐसा हुआ। बीजेपी में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, वो डायनेस्ट देखिए पार्टी है, आरएसएस का बैकग्राउंड है। मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। मैं तो बेसिकली यूपी से हूँ, तो और यूपी में मैं मेरठ से हूँ, तो वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी खासी है। तो मैं आपको एक्चुअली
मुस्लिम अपीजमेंट का ऑन ग्राउंड एप्लीकेशन बताता हूँ किस तरीके से वो लेते हैं। कम्युनिटी के अंदर, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हुई या किसी ने की, उसने बाहर जाके चोरी किया, डाका किया, और समाउ इंडियन सर्कमस्टांसिस में ऐसा कुछ हो गया कि नंबर ऑफ क्रिमिनल्स जो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं वो परसेंटेज वाइज अगर आप कहोगे टोटल पॉपुलेशन का वो 20% है, तो क्रिमिनल एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व पाए जाएंगे दैट मे बी एज गुड एज 55%। तो अपीजमेंट का किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, इसका मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में ये परसीव किया जाता है कि अगर कोई बंदा क्रिमिनल एक्टिविटी के बाद अरेस्ट हो गया तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अरेस्ट ना हो, और पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करे ये इंश्योर करे कि वो अरेस्ट ही ना हो, और उसके बाद उसकी फटाफट बेल हो जाए, और उसके बाद अगर वो विटनेस को थ्रेटन करे तो वहां पे भी उसका सपोर्ट चाहिए। ये अपीजमेंट का मतलब है। या ट्रैफिक वायलेशन में, पिछले वाला जो इलेक्शन था उस इलेक्शन में क्या हुआ, एक बंदा संभल के अंदर, संभल इज कॉमनली वेरी वेरी सेंसिटिव टाउन, संभल के अंदर उसका चालान काट दिया, वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था, ही वॉज ए मुस्लिम गाय। नॉट दैट कि आई एम अगेंस्ट मुस्लिम्स और मैं इसको पोलराइज डिबेट कर रहा हूँ, नो दैट इज नॉट द पर्पज, मैं उसका अपीजमेंट का मतलब बता रहा हूँ। और फिर उस तरीके से उनकी एक्सपेक्टेशंस बीजेपी से भी रहेंगी। तो पुलिस वाले ने जैसे उसका चालान काटा तो उसने मालूम है क्या बोला, अभी तो तुम काट लो मेरा चालान, कल की डेट में मेरी गवर्नमेंट आ जाएगी ना, जब अखिलेश पावर में आ जाएंगे उस टाइम पे देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। और मैं आपको दूसरा इंस्टेंस देता हूं, अंसारी का लड़का जो इलेक्शन लड़ रहा था, उसने कहा, भरी सभा में उसने कहा कि मैंने अखिलेश भैया को बोला है कि 6 महीने तक जीतने के बाद किसी भी ऑफिसर की पोस्टिंग मत करना, क्योंकि हमने हिसाब बराबर कर देना है। माय पॉइंट इज, जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी इन्फ्लुएंस होती है। जब इस तरह का पॉलिसी स्टेटमेंट की पसमंदाज को आप आउटरीच करो, मैं मानता हूं उसमें से हर एक उस कैटेगरी में नहीं है जो कैटेगरी मैंने डिफाइन की है, मगर एक रॉन्ग मैसेज जाता है लोगों को कि अब तो भैया जो कांग्रेस और मुलायम सिंह यादव या लालू ने जो किया है वही अब बीजेपी करने जा रही है। तो फिर ये बीजेपी और इन पार्टियों में डिफरेंस क्या रह गया? तो आपकी बात सही है कि यहाँ पे आरएसएस का एक बैकग्राउंड है, आरएसएस का रूल ऑफ लॉ के प्रति एक अटैचमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड है, आरएसएस भी कह सको आप, गवर्नमेंट भी कह लो, लेकिन जब बीजेपी इनकी आउटरीच करेगी तो डोंट यू थिंक दे शुड बी केयरफुल इन कम्युनिकेटिंग विद देम के लुक भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपके डेवलपमेंट एक्टिविटीज में आपको और इन्वॉल्व करेंगे, मगर इसका मतलब साथ में ये भी है कि जो रूल ऑफ लॉ है दैट विल कंटिन्यू टू बी एनफोर्स्ड द वे इट इज बीइंग एनफोर्स्ड इन यूपी विदाउट एनी प्रेजुडिस टू कास्ट क्रीड एंड रिलीजन। डोंट यू थिंक बीजेपी हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट? की बात एकदम सही है कि इसमें एकदम क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए कि जो रूल ऑफ लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन का जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन, और जो सोशल कम्युनिकेशन हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो सोशल चैनल हम एक एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, उन दोनों का एकदम क्लियर सेपरेशन होना चाहिए कि ये इसके कारण ये इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए और इसके कारण ये इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो वो तो जो एडमिनिस्ट्रेशन करना है उसका वो दायित्व है कि वो वैसा करे। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर। क्या समझो, 10 लोगों का गैंग है, ठीक है, उसमें से ना 2 लोग हैं जो मास्टरमाइंड है, जो मतलब बाहर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बाहर से पैसा जुगाड़ कर रहे हैं वो सब क्राइम करने के लिए, और उसमें 8 लोग हैं बाकी के गैंग वाले। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन का दायित्व है वो 2 लोगों के पास होता है जो टॉप में है, जो पूरे गैंग के लीडर है। जैसे ही आप 8 लोगों को बोलने का मौका दोगे, जैसे आप उनके लिए चैनल ओपन करोगे ना, तो वहां पे जो उनका मतलब वो पावर जो चला रहे थे वो 2 लोग जो 8 लोगों पे, वो पावर कम हो जाता है। जैसे ही वो पावर कम हो जाता है ना, वहां पे गैप बन जाता है, और वो गैप में फिर हम एज एडमिनिस्ट्रेशन एंटर करके उनको ब्रेक करके फिर हमारा काम कर सकते हैं। तो वो लोग, अखिलेश जो है वो 2 लोगों से बात करता था, सबको फिर कंट्रोल करते थे वो लोग, अखिलेश 2 लोग और बाकी लोगों को कंट्रोल करो। बट अभी क्या है ना, मोदी जी वो 8 लोगों से बात कर रहे हैं कि भाई देखो तुम ये कर रहे हो, बट तुमको ये करना चाहिए क्या? तुम्हारे ऊपर जो लोग बैठे तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ये सही लगता है क्या? तो वो स्ट्रेटजी अलग अलग है, एकदम अलग। तो अगर मोदी जी भी 2 लोगों से बात कर रहे होते तो 100% गलत होता,
अखिलेश पहले जो बात कर रहा था वो इन्फ्लुएंशियल लोगों से ही बात करता था, राइट। बट अभी मोदी जी जिनसे बात कर रहे हैं वो डिस्क्रिमिनेटेड लोग हैं, ये ऐसा उनका ऑब्जेक्टिव है। अभी उसमें से भी कुछ एक्चुअल में अभी 8 लोग हैं, उसमें से भी 4 लोग एक्चुअल के गुंडे हो सकते हैं या फिर 5 लोग एक्चुअल के गुंडे हैं। बट अभी हमारे को बताया गया है कि हैव गुड फेथ, कि थोड़ा ठीक है भाई मौका दे दो एक बार। मतलब है गणेश जी के जो आउटरीच मोदी जी ने प्लान की है, एक पॉलिटिकल मूव प्लान किया है, तो इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस मतलब एटलीस्ट पार्शियली तो होंगे ही, और उसका फिर इलेक्टोरल डिविडेंड भी मिलेगा बीजेपी को। इज दैट ए पॉसिबिलिटी? सर ये पॉसिबिलिटी अभी बहुत कम लगती है, क्योंकि बट ये भी हमको समझना चाहिए कि हमारे को ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है एज इंडिविजुअल्स। हमको मुस्लिम सोसाइटीज़ में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कितने हद तक है, मतलब कितना उसका डीपली वो सब चीज़ें हो रही हैं, वो कितना लोग कितनी उनकी हालत ख़राब है या फिर किनका उतना अपमान किया जाता है उनका, वो सब हमको एक्चुअली अभी मालूम नहीं है, क्योंकि दैट इज़ अ ब्लैक बॉक्स फॉर अस। उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया है अभी तक। बट मोदी जी क्योंकि 50 साल से इस देश में घूम रहे हैं, वो हर गांव गांव नुक्कड़ नुक्कड़ जाके वहां पे आए हैं, तो उनको ज्यादा इसका नॉलेज होगा। इतना तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि उनको थोड़ा ज्यादा पता होगा कि अंदर एक्चुअली में क्या है। शायद इंडिया के बाहर ज्यादा लोगों को नहीं मालूम होगा कि इंडिया में कास्ट सिस्टम था, फिर उसके कारण इतना खराब सिचुएशन था, राइट। जब उनको मौका मिला बात करने का, अम्बेडकर जी सामने आए, महात्मा फुले सामने आए, तब वो चीजें सामने आई, तब लोगों को पता चला कि हाँ भाई इतना इतना हो रहा है, इतना हुआ है। तो शायद कोई ऐसा निकल के आएगा जिसके कारण चीजें सामने आएंगी कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। जैसे आपने बताया कि विद इन पसमंदा और फिर जो दूसरे हैं उनमें शादी भी नहीं हो रही। अगर शादी नहीं हो रही, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा है, मतलब उनको तुच्छता से देखा जाता होगा, उनके साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता होगा। और क्या होता है ना सर, अभी सोसाइटी, आप एग्जांपल देखिए, समझो एक कोई मोहल्ला है, एक मुस्लिम मोहल्ला है, क्योंकि अपने यहाँ पे तो वैसा ही है कि मोहल्ला रहता है उसमें फिर ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। तो अगर समझो उसमें 200 घर है, राइट, 200 घर है, उसमें से 150 घर पसमंदा के हैं, दूसरे 50 है, ठीक है। चलो ठीक है, उनका एजेंडा हिंदूज के अगेंस्ट हो सकता है कौन कौन से टॉपिक पे, बट रहना तो वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, और जब एक दूसरे साथ रह रहे हैं तो उसके कारण झगड़े भी होते हैं, उसके कारण डोमिनेशन भी होता है, उसके कारण एक दूसरे को लूटा भी जाता है। जमीन आपकी बाजू वाली की आप चोरी करोगे ना, 50 किलोमीटर जाके दूर किसी का जमीन थोड़ी हथियाओगे। आपको किसी का घर हथियाना है तो आप तो बाजू वाले का हथियाओगे ना। तो उनके साथ काफी चीजें होती होंगी जो कि बाहर नहीं आता है, तो वो सब सारी चीजें हमको मालूम नहीं है। बट अगर मोदी जी सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ करना चाहिए तो ट्राई करने लायक तो अवश्य होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब आपने दो बातें कही इसमें, एक जो जो पसमंदा है, दूसरा जो कहते हैं अशरफी। नाउ जो अशरफी हैं दे आर बेसिकली 10 to 15%, और ये लोग वो हैं जो अपने को कहते हैं कि हम किसी ज़माने में जहाँ मुगल्स आए, अफगान आए, खान्स आए, पठान्स आए, यू नो अरबी लोग आए, हम उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं। और बाकी ये लोग जो 80-85% जो भी हैं, ये दे आर बेसिकली दोस्त जो हिंदू से या बाकी कास्ट से कन्वर्ट हुए, यू नो इवन सिख वाल से जो हुए या बाकी कास्ट उनसे रिलीजन से। सो दैट इज ए क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन। नाउ अभी जो अगर आप सऊदी अरबिया में या मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्रीज में देखें, तो वहाँ के पे ये जो पसमंदाज हैं इनके साथ तो मतलब कोई बहुत ढंग का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। यू नो जैसे मुझे पता चला है कि दे आर रेलिगेटेड, दे आर नॉट रियली मुस्लिम्स आइदर, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग इज देयर। इवन अफगान्स वाले जो पंजाबीज हैं, पाकिस्तान पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं, और इंडियंस को एक ही कैटेगरी में रखते हैं। अरे ये मुस्लिम्स कहाँ से हो गए, तो सिर्फ 400 या 500 साल पहले कन्वर्टेड ये हुए, तो ये बेसिकली दे आर बेसिकली हिंदूज। तो ये तो एक सिनेरियो है। अब पसमंदाज ने भी अपने को ऑर्गेनाइज किया है बिकॉज दे फील के दे आर बीइंग नेग्लेक्टेड। जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हिंदू कम्युनिटी में, जैसे यहाँ पे शेड्यूल कास्ट हैं या बैकवर्ड हैं, उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, वहाँ पे भी जो बैकवर्ड कास्ट हैं, रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें मुस्लिम्स को इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट में जो रिजर्वेशन है उसमें ये मुस्लिम दलित्स ये इंक्लूडेड नहीं है। तो एक वहाँ पे डाइकोटोमी आने वाली है कि अगर
बीजेपी ये आउटरीच सक्सेसफुली करती है और निगोशिएशंस होते हैं और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन होता है, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी भी अच्छी खासी है कि जो मुस्लिम दलित्स हैं वो भी कहेंगे कि हमें जो है आप इस रिजर्वेशन में इंक्लूड कीजिए। और अभी आपने डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया था, डॉक्टर अंबेडकर ने एक्चुअली काफ़ी कुछ लिखा है इस विषय पे, बट आई थिंक मोर और लेस मैं और भी लिटरेचर इसमें देखूंगा और कुछ देखा भी है मैंने, उसने मुस्लिम्स को एज फार एज देयर सोशल कंडक्ट और सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज कंसर्न दे आर बेसिकली मोनोलिथ। यू गॉट माई पॉइंट कि वो बस ठीक है रिलीजन के नाम पे दे बिकम मोनोलिथ विदाउट रियलाइजिंग दैट दे आर बीइंग एक्सप्लोइटेड। लेकिन अभी ऑल इंडिया पसमंदा समाज एंड ऑल दैट ये सब ऑर्गेनाइजेशंस धीरे धीरे करके डेवलप हो रहे हैं। एक आमना बेगम अंसारी है जो ट्विटर पे बहुत एक्टिव है, पसमंदा है वो, और वो आरफा खानम शेरवानी को भी कई बार वो लिखती है, स्ट्रांगली लिखती है, और पसमंदाज के बारे में काफ़ी कुछ वो सेंसिटिव है और अपनी सोसाइटी को भी वो सेंसिटिव बना रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस देर इज ए पॉसिबिलिटी दैट प्रॉब्ली गुड सेंस इन मुस्लिम कम्युनिटी विल प्रिवेल थ्रू दिस पसमंदा समाज बिकॉज दे आर इन मेजोरिटी, एंड ऐसा उनको लगेगा एक पॉइंट पे कि अगर अब उन्होंने अपने आप को डेवलप नहीं किया या देश के साथ नहीं चले तो दे आर गोइंग टू बी बिग लूजर्स। यही यहाँ से ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज की है बीजेपी ने और मोदी जी ने, तो ये बहुत देखने लायक होगा कि इसको पसमांदा समाज कैसे रिस्पॉन्ड करता है। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, अगर डिस्क्रिमिनेशन एक अच्छे लेवल तक होगा, मतलब एक अच्छी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन अगर होता होगा जहाँ में उनका जहाँ पे उनका रिस्पेक्ट मतलब सोशली और फिनेंशियली और जो रिलेशंस हैं वो सब कंसिडर करके उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो वो लोग जुड़ेंगे इस चीज़ से, वो लोग अपने आप को इकट्ठा करेंगे और अपनी आवाज़ उठाएंगे, जितना इंडिया का ओरिजिनल स्वभाव है उसके हिसाब से देखेंगे तो वो तो होना चाहिए। बट हिंदूज के प्रति कितना लगाव और हिंदूज के प्रति कितना रिस्पेक्ट और हिंदुइज्म के प्रति कितना आदर भाव वो दिखाते हैं और वो कितना निकल के आता है, उसके ऊपर सारी चीज़ें रहेंगी। आरएसएस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया अभी उदयपुर इंसिडेंट को लेके, और राजस्थान के या झुंझुनू में इनका कोई वो हुआ था कॉन्ग्रीगेशंस, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हिंदू समाज ने उदयपुर इंसिडेंट के प्रति रेस्पोंड किया है, अपना प्रोटेस्ट किया है पीसफुली, मुस्लिम्स की भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिन लोगों ने ये क्रिमिनल एक्टिविटी की है उसके अगेंस्ट में एग्रेसिवली रेस्पोंड करें। तो यू आर वेरी राइट, जो पसमंदा समाज है मेजोरिटी में जो लोग हैं दे मस्ट रेस्पोंड, दे मस्ट टेक द लीड, एंड होपफुली ये जो इनिशिएटिव है मोदी जी का ये सक्सेसफुल होना चाहिए। गणेश जी थैंक यू सो मच, इट इज़ ए प्लेजर इंटरेक्टिंग विद यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। इट हैज बीन ए इंटरेस्टिंग डिस्कशन विद गणेश जी, होप यू लाइक इट, आई एंजॉयड इट इमेंसली। Please like, share and subscribe. I will see you in next video.